प्लीज बैठिए। कैसा लगा ओवरऑल? मैंने ओके मैंने सिमी जी से अभी कुछ देर पहले मुलाकात हुई, ये मेरी कॉलेज से हैं सिमी जी। सिमी जी प्लीज आइए स्टेज में। सबको बुलाना है एक्चुअली। मैंने इनसे कहा था, हालांकि ये मेरी सीनियर बोल सकता हूँ ना तो मगर मैंने इनसे कहा, मैं कॉलेज में इनको नहीं जानता था, बाद में मुलाकात हुई तो मैंने कहा था पसंद नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं आऊंगा, बिकॉज जो चीज खुद ही को नहीं पसंद है वो दूसरों को क्यों इंट्रोड्यूस करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात बोली आपने और बहुत जेन्युइन थे आप इसमें। और हाँ एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा ही जेन्युइन था, मुझे लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारेंगी, मुझे एक कॉफी शॉप में मिली थी। अच्छा। हाँ वहाँ लोग मुझे पहचान भी रहे थे। अरे वाह, वहाँ मार भी सकती थी। अरे तो ऐसा किया नहीं इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम देख लेना और फिर पसंद आए तो बोलना। तो मैंने देखा, मुझे पसंद आया और मैं चाहता हूं, मुझे ये इच्छा हुई कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस फिल्म को पहुंचाने में जो भी मदद कर सकता हूं करूं, और तभी मैं यहां हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत जेन्युइन रिएक्शन था ये। तो आपके हिसाब से इंडस्ट्री में कौन है क्यूट? आप हैं, आप ही हैं सिर्फ। अच्छा कमीना कौन है ये तो बता दो, आप तो बोल नहीं सकते। आपके सामने कैसे बोलूं सर, बोलो ना। हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टरों में अगर बात की जाए तो सबसे कमीना कौन है और क्यों? सारे है ना, मुश्किल है चुनना नहीं पर एक दो की नसीब जगा दीजिए आप बोल के कि वो कमीने हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इट्स अ वेरी टफ। आप एक्टरों के नाम ले लीजिए जो आपके साथ काम कर चुके हैं। वो सब सीधे साधे हैं, जैसे शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, सब सीधे लोग हैं। आप जैसा कोई नहीं मिला अभी तक। यार मैं तो एक्टर में था नहीं, लेकिन लगता आगे हो जाऊंगा इसलिए कह रहे हैं आप। तो क्यूट कौन है? अच्छा हीरोइन और हीरो मिला के कोई बेसिकली नाम बुलवा के छोड़ूंगा मैं, छोड़ने वाला नहीं आज। बेटा बैठो, चार घंटे हैं। हाँ लड़कियां कौन सी क्यूट हैं? हाँ वो मतलब दीपिका, आयशा, यार याद करके तो याद करके मत बोलो, पॉलिटिकली करेक्ट हो रहा है भाई। लड़कियों से थोड़ा दूर रहते हो ना, तो लड़कियों का नाम सोचना पड़ता है कि कौन है देखिए ऐसी अगर मैं बात करूं आपकी फिल्मों की, चाहे लव आजकल हो या तो मैं बात करूं आपकी, मैंने खासतौर से जब वी मेट के बारे में देखा, आपके कैरेक्टर बहुत कमाल के होते हैं। जैसे इसमें बंटी का कैरेक्टर है जो हीरो है, जो अनुराग है, जो भोपाल से आता है मुंबई शहर में, और उसकी अपनी एक सोच होती है, क्योंकि जब वहां रहते तो स्टार ही रहते हैं ना वो, तो जब यहां आते तो स्टार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां के लोग कहते हैं कितना इनोसेंट बेचारा, क्यूट किस्म का आदमी है यार। तो आपने कभी ये फील किया, क्योंकि आप भी भिलाई से हैं? हाँ मैं जमशेदपुर का हूँ, और जैसे वो कह रहे होते थे ना कि हर छोटे शहर के हर कमीने को बड़े शहर में आके क्यूट बनना पड़ता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी जमशेदपुर का हूँ, छोटे टाउन का हूँ, मैं बहुत समझ सकता हूँ कि ये जर्नी क्या होती है। और ये भी कि पहली फिल्म जब आपकी रिलीज होती है और जब आप उसमें लगते हैं तो वो जर्नी क्या होती है। ऐसा सौभाग्य है कि सनी सुपर साउंड में ही मेरी पहली फिल्म बनी थी। क्या सनी देओल मेरे प्रोड्यूसर थे, और अजीब सा मुझे लग रहा है कि आज इतने साल हो गए एंड आई एम सिटिंग एट द सेम प्लेस एंड यू नो वी हेल्पिंग रिलीज और बीइंग इन्वॉल्व्ड विद द रिलीज ऑफ सम पीपल हु आर मेकिंग अ फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम। एग्जैक्टली बहुत सिमिलर थी, सोचा ना था इससे, इन द वे ऑफ सारे लोग नए हैं, डायरेक्टर ने कभी डायरेक्ट नहीं किया फिल्मों में, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं कि ये खेल क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर मतलब उस वक्त भी ऐसे था कि पहले कर चुका था संदेश बट ही नॉट मतलब बड़ा नाम नहीं बना था उस वक्त तक, एक्टर्स तो सारा ऐसे ही माहौल था। And it reminds me of that time. And it's very significant that it is happening at Sunny Supersound because Vijeta film, Sunny Deol had produced the film for me. क्या बात, so I said. तो आप जब यहाँ आए थे मुंबई शहर, तो किसने क्यूट बोला और किसने कमीना बोला आपको? अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। Actually, जब मैं बॉम्बे शहर आया तो मेरा सिर्फ ये उद्देश्य था कि किसी तरह से पैसे कमाने,
तो सर्वाइव करना, उस वक्त ये नहीं था कि मैं ये काम करूंगा और वो नहीं करूंगा, मैं कुछ भी करने को तैयार था जस्ट टू सर्वाइव। एंड मगर ऐसा हुआ नहीं, उतना उतनी तकलीफ हुई नहीं जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले मैंने एडवर्टाइजिंग का कोर्स किया कि नौकरी मिलेगी, वो हुआ नहीं, नौकरी नहीं मिली। फिर मैंने किसी जी टीवी में ज्वाइन कर लिया था, वहाँ 3 महीने काम करने के बाद पैसे जब नहीं मिले तो फिर मैं कहीं और गया। जब क्रिस्ट में गया तो आप मिल गए, तो वहाँ डबिंग कर रहा था मैं डिस्कवरी की, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। तो क्यूट किसने कहा आज तक मुंबई शहर में आपको? बहुत सारी लड़कियों ने कहा यार, नाम बोल दे, अब भी कहती हैं नाम, अभी बोलती है भाई, किसी हीरो ने बोला ये सब मैं नहीं बता सकता। देखिए औरतों के मामले में ना थोड़ा सा डिस्क्रीट रहना पड़ता है अनुराग भाई, इसीलिए आप समझते नहीं हो भाई। एक्चुअली मैं क्यूट हूँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जब तक खुद को लग रहा है तब तक ठीक है। कमीना किसने बोला आपको? किसी ने नहीं बोला यार आज तक। ओए नहीं चलिए आइए, मैं क्यूट और कमीनों को यहाँ बुलाना चाहूंगा। निशांत सिंह एक बार जोरदार तालियां प्लीज कम निशांत, एंड कीर्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए, फिल्म की हीरोइन। एंड फिल्म को प्रेजेंट करने वाले अमित यहाँ मौजूद हैं, अमित रामगोपाल प्लीज कम हियर, आ जाओ मालिक, आ जाओ। ढोल के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अरे एक्चुअली ये मैं सोचा कि प्रोड्यूसर टाइप के होते हैं इम्तियाज भाई, एक जमाना था जब वो बैग यहाँ होता था छोटा वाला और आते थे, हाँ भाई क्या चल रहा है, वो लड़कियों के बाप जैसे होते थे फिल्मों के, चप्पल दिखती रहती थी, पर ये इतने स्मार्ट थे। तो मैंने कहा मेरा 6,500 रुपया कोड भी बेकार चला गया, मतलब बन के आया नहीं भाई, अपन तो ऐसा कर ले, मेरे लिए छोड़ दिया सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदगी भर एहसान मानूंगा आपका। मैम सिमी मैम, देखिए जैसे कि आपने कहा कि आप सीनियर थी इम्तियाज भाई की, तो इस फिल्म को मतलब आपने क्या सोचा, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या सोचा कि यार इसका नाम क्यों रखा जाए, क्योंकि बड़ा यूनिक और अलग है, इसमें दोनों है, प्यार भी है, ईर्ष्या भी है, जलन भी है और विलन भी है। एक्चुअली क्या है कि मुझे करीब 25 साल हो गए हैं बॉम्बे में, दिल्ली से मैं भी हूँ, और एक बात कहूँगी कि जब मैं पास आउट हो गई और इम्तियाज का बैच पूरा, मैं उस वक्त PhD कर रही थी, तो बहुत हमारे जो कुछ जूनियर्स थे जो पढ़ते थे, बोले कि देयर इज अ वेरी हॉट गाय इन द कैंपस, इन द हिंदू कैंपस, सो हु इज ही, इट इज सेम इज इम्तियाज यार, उसको इस वक्त इम्ति बुलाते थे तुमको वहाँ कि इम्तियाज, तो हनका आ रहा है, हाउ कम आई हैव नॉट सीन हिम। अच्छा मतलब आप सबको देख लेती थी पहले ही? सीनियर थे ना, तो मतलब सबको थोड़ा बहुत नाम तोल देना बड़ा, ये तो जी जी वो तो बनता भी है। आप वो तो और दूसरी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एक बात याद रखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत टैलेंट दिया है, बहुत टैलेंट दिया है, विशाल है, आशीष विद्यार्थी हैं, मनोज है, सब मेरे बैचमेट हैं, और जब मैं यहाँ आई तो मैंने उनका भी स्ट्रगल देखा, फिर मुझे एहसास हुआ कि एक जर्नी होती है हर एक की, और वो बड़ी स्मॉल टाउन से बिग टाउन में आने की जो एक अजीब सी एक जर्नी होती है नो, वहाँ एकदम हीरो टाइप बनते हैं यू नो, बूट वूट डाल के, एकदम जीन्स की शर्ट डाल के और मोटरसाइकिल चला के, और सब लड़कियाँ उनको ताड़ रही होती हैं, तो सोचते हैं जैसे ही वो बॉम्बे लैंड करेंगे तो ऐसे ही कुछ होने वाला है, इज़न्ट इट इम्तियाज, इट हैपेंस, और जब यहाँ आते हैं तो उनकी इनोसेंस सामने आ जाती है। तब हमने सोचा कि कहानी है, एक मेरा एक दोस्त है चिंतन, उसने बोला कि मैम ऐसा कुछ लिखते हैं, तो हमने लिखना शुरू किया, कॉन्सेप्ट पेज पर लिखना शुरू किया, तो उसके बाद ये कहानी बननी शुरू हुई और क्यूट कमीना का इजाद हुआ। क्या बात, तो ये क्या खास बात होती है जब कॉमेडी होती है, रोमांस होता है फिल्मों में, तो क्या खास बात होती है जो आपको भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं, इस टाइप की स्टोरियां क्या मजा आता है जब किसी की असलियत दिख जाती है ना किसी स्क्रिप्ट में। हाँ। अब वो एक्टर्स के ही माध्यम से दिखती है, उनकी खुद की भी हो सकती है, कभी राइटर या प्रोड्यूसर या म्यूजिक डायरेक्टर की होती है, कि उसकी पूरी जर्नी कभी कभी एक झलक दिख जाता है आपको जी। जैसे ऐसा लगता है कि जब आप किसी फिल्म को देखते हैं तो उस डायरेक्टर और राइटर को आप से एकदम बिल्कुल परिचित हो जाते हैं, यू नो देम मच बेटर देन यू वुड नो देम इफ यू मेट देम पर्सनली, सो वो तो झलक दिखती है, मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है, मैं एक तारीफ करना चाहूंगा कि आप डायरेक्टर बहुत कमाल के हैं, म्यूजिक सेंस भी उससे कमाल का है,
फिर कैमरा इतना अच्छा काम कराते, डायरेक्शन इतना, और एक्टरों से काम कराना जो आपसे अच्छा कोई जानते नहीं, आई थिंक इस इंडस्ट्री में तो कोई नहीं जानता होगा। अगर मेरे बजाय कोई और डायरेक्टर आते, हो सकता है राजू जी आ जाते या अनुराग बासु या कश्यप आ जाता, उनको भी नहीं बोलते ना, वेरी गुड, तब हाँ ठीक है, तब सही जा रहे हो, सही जा रहे हो ना, एकदम सही है, ठीक है ना भाई, आप जरूर ना था। हाँ तो भाई देख लो, अगला क्वेश्चन पूछूंगा ही पूछूंगा यार, हम सभी कुछ जानते हैं आप लोग तो मेरे बारे में यार, क्या बोलूं मैं। निशान कैसे दोस्त? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबॉडी यहाँ आने के लिए, आई एम फाइंडिंग इट स्टिल नाउ, यस दिस इज ट्रू, इम्तियाज सर अ ड्रीम डायरेक्टर, जिनसे मिलना ही शायद एक ड्रीम था मेरे लिए, आज वो मेरी फिल्म को आके मोटिवेट कर रहे हैं, इट इज रियली सर इट्स एन ऑनर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी, हमने इस फिल्म को इतने प्यार से बनाया, इतने पैशन से बनाया है, हर इंसान के अंदर क्यूटनेस भी होती है, कमीनापन भी होता है, कैसा कभी नहीं होता कि एक इंसान सिर्फ क्यूट हो या सिर्फ कमीना हो, हम सब सिचुएशन के हिसाब से जब सच्चे होते हैं तो कभी क्यूट भी हो जाते हैं, कभी कमीने भी हो जाते हैं। डायरेक्टर क्या लगता है, कौन है डायरेक्टर हमारा, तुम्हारा डायरेक्टर कौन है? हमारे डायरेक्टर बहुत ही क्यूट है, बहुत ही रियल लाइफ में बहुत क्यूट है, लेकिन सेट पे बहुत कमीनी है, काम निकलवाना आता है उनको। अच्छा, तो बस यही है, हार्टलैंड की कहानी है, एक लड़का है जो बहुत ही इनोसेंट है, अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझता है, उसके मन में उसकी एक पिक्चर है जिसमें वो मतलब सुपरस्टार है, उसका एक सपना है कि एक कॉफी शॉप की उसको चेन चलानी है, हलवाई का बेटा ही डजंट लाइक दैट बिजनेस, तो मामा के पास आ जाता है बॉम्बे, और बॉम्बे आने से पहले उसको लगता है कि जैसी दुनिया भोपाल में उसने देखी है वैसी होगी, और वहां वो स्टार था, यहां भी स्टार ही रहेगा, लेकिन जब बॉम्बे आता है और उसको अपनी ड्रीम गर्ल मिलती है, और फिर जो एडवेंचर शुरू होता है, और जैसे जैसे कमीने कैरेक्टर मिलते हैं, तो वो जो क्यूट बंदा था वो भी थोड़ा 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 करके कमीना बनना शुरू हो जाता है, लेकिन क्यूटनेस छोड़ता नहीं है। कुछ नहीं